their first time? Rain? I was 13. I thought it was a dream. I just lost control. Sam? दोस्तों यहाँ पर न्यू म्यूटेंट्स का ट्रेलर आ चुका है और इसी के साथ आपको न्यू म्यूटेंट्स का कॉमिक बुक हिस्ट्री जानने का मन कर रहा होगा। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं न्यू म्यूटेंट्स के कॉमिक बुक हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों न्यू म्यूटेंट्स इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन दोस्तों बाहर के साइड में अच्छा खासा पॉपुलर है। यहाँ पर दोस्तों इसका ट्रेलर आ चुका है और इसका ट्रेलर देख के हमें इसका स्टोरी पता लग जाता है कि इसमें जो म्यूटेंट्स हैं वो लोग प्रिजन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये मूवी एक्समैन के टाइमलाइन से कनेक्टेड होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली न्यू म्यूटेंट्स के ऑरिजिन को कवर करेंगे, जिससे कि आप न्यू म्यूटेंट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से जान सके। और आपका ओपिनियन क्या है न्यू म्यूटेंट्स के ऊपर कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको भी पता है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को रीडिजाइन किया जाता है और पुराने कैरेक्टर्स के नए वर्जन निकाले जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मेन स्टोरी लाइन को फॉलो किए हैं, जो कि दोस्तों 1982 में लाया गया था और इसका नाम मार्वल ग्राफिक्स नोवेल इशू 4 द न्यू म्यूटेंट्स था। इसके बाद दोस्तों ये स्टोरी लाइन को 2003 और 2009 के दौरान एक्सपेंड किया गया था। अगर हम 1980s का देखें तो एक्समैन सीरीज उस समय बहुत ही सक्सेस हुआ था और इसका स्पिन अप भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अगर हम एक्समैन का करंट में देखें तो इसके बैच में ज्यादा करके एडल्ट्स ही थे और दोस्तों यहाँ पर न्यू म्यूटेंट्स को एक टीम की तरह लाया गया था, जो कि एक्समैन के शुरुआती दिनों में वापस आ गए थे। एक्चुअल में अगर न्यू म्यूटेंट्स का देखें तो इनका एक टीनेज ग्रुप था जिनको बहुत कुछ सीखना होता है, जैसे कि म्यूटेंट्स अपने पावर को कैसे यूज करें, एक टीम के हिसाब से कैसे काम करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ह्यूमन वर्ल्ड में एक म्यूटेंट को किस हिसाब से रहना है। ये सभी को 1982 के ग्राफिक्स नोवेल क्रिस क्लेरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और यहाँ पर दोस्तों क्लेरमेंट ही एनिमेंट को रिडिफाइन किए थे। अगर हम स्टोरी पे ध्यान दें तो स्टोरी स्कॉटलैंड में शुरू होता है, जहाँ मोइरा टैगरट एक यंग म्यूटेंट रानी सिंक्लेयर को एक एनर्जी मोड से बचाई थी। रानी अपने म्यूटेंट एबिलिटी की मदद से एक भेड़ी के फॉर्म में चेंज हो सकती थी। वही दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ ब्राजील में रॉबर्ट डेकोस्टा का सनलाइट को बहुत ही ज्यादा पावर में कन्वर्ट करने का एबिलिटी चला आता है और फिर केंटकी के कोल्ड माइन में सैम को मालूम चलता है कि उसके पास उड़ने का पावर भी है। यहाँ तक हमें तीन म्यूटेंट्स के बारे में पता लगा है, जो कि दोस्तों अपने पावर्स को अभी अभी जान पाए हैं। इसके बाद स्टोरी में एक अमेरिकन लड़की को दिखा जाता है जिसका नाम डोनियल मूनस्टार था, जो अपने दादाजी के खिलाफ जाके एक फाइट मैन के साथ ट्रैवल करके सब कुछ सीख रही होती है। एक्चुअल में डोनियल का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया रहता है और इसके पावर की मदद से वो थ्री डायमेंशनल एलुसिनेशन क्रिएट की थी, लेकिन डोनियल के ग्रैंडफादर चार्ल्स सेवियर को जानते थे, जो कि डोनियल के पावर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते थे। लेकिन डोनियल के दादाजी बहुत ही जल्दी मारे जाते हैं। इसके बाद डोनियल हत्यारे को जान से मारने का कसम खाती है। इसके बाद अभी स्टोरी में एंटर होते हैं जेवियर। यहाँ पर प्रोफेसर जेवियर नए म्यूटेंट्स को हेल्प करने के लिए उनको कब्जा कर लिया जाता है। इसमें एक यंग वियतनाम वुमेन भी रहती है जिसका नाम सियान होता है। इसका इतना एबिलिटी था कि ये कोई भी पर्सन के बॉडी को अपने बस में लेके कंट्रोल कर सकती थी और दोस्तों इसी ने प्रोफेसर जेवियर को कब्जा किया था। कुछ समय के बाद मोरा और रानी भी उस जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्रोफेसर जेवियर किसी को भी कुछ सिखाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि सभी एक्समैन मर चुके हैं और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स को भी कुछ नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि वो बर्बाद हो जाए और अपने पावर्स को मिसयूज करे। लेकिन आखिरकार मोयरा प्रोफेसर जेवियर के माइंड को चेंज कर देती है। फिर वो सभी मिलकर डोनियल मूनस्टार को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सभी के दौरान हमें डोनाल्ड पियर्स भी देखने को मिलता है, जो कि म्यूटेंट्स के खिलाफ अपने मन में एक रिवेंज रखे रहता है और डोनाल्ड सभी नए म्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। यहाँ पर दोस्तों एक बात पता चलती है, डोनाल्ड का ही कोई आदमी मूनस्टार के ग्रैंडफादर को मारा था और डोनाल्ड इस तरह डोनियल मूनस्टार को भी मारना चाहता था। पर दोस्तों चार्ल्स जेवियर और उसके साथ जो रहते हैं वो सभी ये सबको रोक लेते हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ फिर वो सब ब्राजील में ट्रैवल करके रॉबर्ट को भी इस तरह से बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब कैंटुकी में सैम को बचाने का कोशिश करते हैं, तब उनको पता चलता है कि सैम पहले से डोनाल्ड के द्वारा चुन लिया गया था, क्योंकि दोस्तों सैम को डोनाल्ड के इविल इंटेंशन के बारे में पता नहीं होता है। इसके बाद डोनाल्ड जेवियर को कैप्चर कर लेता है और फिर डोनाल्ड जेवियर के सभी नॉलेज को चुराने का कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जो नए म्यूटेंट्स होते हैं वो सब ये चीज को रोक लेते हैं
और बाद में सैम को रियलाइज होता है कि वो गलत आदमी का साथ दे रहा था। इसके बाद सभी यानी जेवियर, मोयरा, रानी, रॉबर्ट, सैम, डैनियल मुस्टर और जियन प्रोफेसर जेवियर के मेंशन यानी बंगले में वापस आके सब अपने नए नामों को अपनाते हैं, जैसे कि डैनियल साइकिक बन गई थी, रॉबर्ट का नाम सनस्पॉट हो गया था, जियन का नाम कर्मा हो गया था और रानी का नाम उल्वन नाम दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों सैम भी टीम में ऐड हो जाता है और वो कैनन बॉल के नाम से जाना जाता है और यही से दोस्तों न्यू म्यूटेंट्स का जन्म होता है। इसके बाद सालों के दौरान न्यू म्यूटेंट्स में कई सारे चेंजेस आ चुका है, जैसे कि डैनियल पहले साइकिक थी पर फिर बाद में मिरेज बन गई थी। यहाँ पर दोस्तों न्यू म्यूटेंट्स में कुछ नए मेंबर्स को भी लाया गया था, जैसे कि दोस्तों मैजिक, साइफर और मैग्मा। फिर दोस्तों 2003 में डैनियल मोस्टर पूरी न्यू म्यूटेंट्स की टीचर बन गई थी। इस न्यू म्यूटेंट्स के ग्रुप में कई सारे मेंबर्स थे, जैसे कि दोस्तों एलेक्सर जिसके पास हीलिंग का पावर था, प्रोडिगी जिसके पास बहुत ही स्किल्स थे, सर जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज था, वॉलफ्लावर जो कि इमोशन को इफेक्ट कर सकती थी और विंड डांसर जो कि दोस्तों विंड को मैनिपुलेट कर सकती थी। यानी दोस्तों 2003 में नए नए मेंबर्स को लाया गया था, लेकिन दोस्तों 2009 में फिर से स्टार्टिंग स्टोरी लाइन वाले मेंबर्स को लाया गया था, जैसे कि दोस्तों कर्मा, कैनन बॉल, सनस्पॉट, मैग्मा, डैनी और मैजिक। ये सबको इसलिए लाया गया था कि एक नए एडवेंचर के साथ फिर से नई सीरीज का शुरुआत हो सके। और दोस्तों आप सभी तो जानते होंगे कि न्यू म्यूटेंट्स का मूवी आने वाला है और दोस्तों हो सकता है कि ये एक आर रेटेड मूवी हो, लेकिन दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद लगता है कि ये थोड़ा हॉरर टाइप्स का होने वाला है। ये तो आगे चल के ही पता चलेगा कि ये मूवी में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही था न्यू म्यूटेंट्स के कॉमिक बुक हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।